सेलेक्टरों की पहली पसंद बंदे ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि जिस तरीके से हमने कल का मैच देखा भैया, अगर दो मैच से अपन देख रहे हैं उसके मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों आपको कि पिछला वाला जो मैच था जो कल हुआ और उसके पहले जो उसके पहले जो हुआ था जो गुजरात के साथ हुआ था, क्योंकि पहले मैच की पारी में भी उनने मेरे ख्याल से 92 बनाए थे, 9 छक्के मारे थे उनने, 9 छक्के भाई ये क्या है, और कल क्या हुआ 57 रन के साथ में, मतलब 4 छक्कों के साथ ऐसा लग रहा था बहंग अच्छे टच में है वो, अच्छा बल्ला चल रहा है, अच्छा सीधा बल्ला चल रहा था उनका, कल ऐसा लग रहा था कि 100 करेंगे वो, मगर ऐसा एक शॉट ऐसा आया रवि बिश्नोई का, अच्छा बॉल था जो वो भी मार रहे थे मगर वो गया बाहर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि ये भी हो सकता है कि भैया वो ODI फॉर्मेट या T20 फॉर्मेट में वापसी कर सकते हैं। हाँ, सिलेक्टरों की पहली पसंद तो है वो। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से खेल रहे हैं, मतलब जिससे 50 ओवर के लिए आप टीम बना रहे अपन वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप भी है, और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस वाकई में दे रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, तो मेरा तो ऐसा मानना है और शायद भैया का भी यही मानना है कि ऋतुराज गायकवाड़ वापस ODI में अपनी वापसी कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। और 2020 में भी आएंगे वो, T20 फॉर्मेट में भी, मतलब ओके, क्योंकि जिस हिसाब से खेल रहे ना, मतलब उनकी तो कायल कर दिया उन्होंने, चेन्नई सुपर किंग्स ने अच्छा परफॉर्म दिया, कल के मैच में भी उन्होंने कितनी बढ़िया शुरुआत करी है, जो 13 छक्के लगा चुके हैं, अच्छे टच में चल रहे हैं, और कल के मैच में कितनी बढ़िया शुरुआत थी 100 रन तक तो विकेट ही नहीं गिरा चेन्नई सुपर किंग्स का, 110 तक का। और रवि बिश्नोई ने जो अच्छा बॉल किया तो उसी चक्कर में उनका विकेट आया, और वैसे भी वो जिस हिसाब से पहले ओपनिंग करने आ रहे हैं उससे उनके खेल में निखार दिख रहा है। और बात जो उनका जो फ्लो है बल्ले का, जिस हिसाब से भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनका बैटिंग ऑर्डर्स है और जो खेलने का तरीका है वो इस तरीके से लग रहा है कि वो क्रिस गेल का जो हाईएस्ट सिक्स मारने का रिकॉर्ड है और सिक्स के साथ साथ में जो रन का, हाँ यस आपने सही पकड़ लिया, मतलब जो टोटल रन IPL सेशन में होता था जो क्रिस गेल के नाम पे सबसे ज्यादा का रिकॉर्ड है वो भी ब्रेक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब ऐसा कर सकता है शोर उमर इस बात के लिए, और छक्कों का भी करेगा, और मैच में जो छक्के मार रहे 10-15 छक्के लगभग आने वाले मैचों में लगभग 15 छक्के भी मार सकते हो, मतलब क्रिस गेल की जगह ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत दो मत नहीं है, क्रिस गेल की जगह वो है, हनुमान का बल्ला आ चुका है।